स्वागत करता हूं आपको अपने YouTube चैनल ITMR के में। आप लोगों के लिए एक बेहतरीन इंडिकेटर के साथ मैं फिर से उपस्थित हूं। एक बहुत बेहतरीन सेटअप है जिसमें हम दो इंडिकेटर का प्रयोग करेंगे और दो इंडिकेटर से मैं इस स्ट्रेटजी को तैयार करूंगा। बहुत सारे इंडिकेटर ऐसे हैं या हम जब भी ट्रेड लेने जाते हैं तो हमें ये कैंडल कभी ग्रीन दिखता है, कभी रेड दिखता है, कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे जा रहा है, तो हमें ये समझ में नहीं आता कि मैं ट्रेड कहाँ से लूँ। तो इसके लिए एक मैं बेहतरीन सेटअप किया हूँ, ध्यान से सुनिएगा। यदि हमारे चैनल पे आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। इसका सेटिंग को आप बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा, उसके बाद ही आपको समझ में आएगा। पूरा वीडियो देखिएगा तभी आपका सेटिंग समझ में आएगा। तो सबसे पहले मैं इंडिकेटर लगा लेता हूँ, चले जाता हूँ अपने ट्रेडिंग व्यू चार्ट पे, ट्रेडिंग व्यू अकाउंट के चार्ट पे चले जाता हूँ और यहाँ पे हम 5 मिनट का कैंडल लगा लेते हैं और इसका मैं एक बेहतरीन सेटअप करके आपको दिखाता हूँ कितना बेहतरीन काम करता है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमें रेड ग्रीन से कोई मतलब ही नहीं रहेगा, उसमें ऐसा सेटअप करूँगा। हमें ट्रेड कहाँ से लेना है, कहाँ से नहीं लेना है, ये एकदम कन्फर्म हो जाएगा, चूँकि इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। अगर यहाँ पे हम को यहाँ पे अगर हम कॉल लेते हैं तो थोड़ा सा रेड बनता है, कट के भाग जाते हैं, लेकिन भागना नहीं है दोस्तों। इसी के लिए मैं एक इंडिकेटर का प्रयोग कर रहा हूँ, इसमें दो इंडिकेटर का प्रयोग करूँगा और दोनों इंडिकेटर बहुत बेहतरीन काम करता है। चलिए तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम अपने इस सेटअप को हटा देता हूँ और सेटिंग के लिए सबसे पहले चले जाना है आपको इंडिकेटर पे। इंडिकेटर पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपको सर्च करना है, यहाँ पे सर्च करना है आपको लीनियर LINEAR लीनियर रिग्रेशन कैंडल, इस पर क्लिक कर देना है। ओके ओके कर देना है। अब देखिए दूसरा इंडिकेटर पे जाना है, इस दोनों को मैं इंडिकेटर का सेटिंग बता रहा हूँ किस प्रकार से आपको सेटिंग करना है। दूसरा सेटिंग जाना है, इस पर करना है UT वोट अलर्ट, इसे भी आप लगा लें अपने चार्ट पे। अब देखिए इसको मैं किस प्रकार से सेट कर रहा हूँ, कितना बेहतर काम करता है, ये आपको दिखाता हूँ मैं। सबसे पहले हम चले जाएंगे लीनियर रिग्रेशन कैंडल, इस पे सेटिंग में जाएंगे, इसमें हम इसे बना देंगे 7, जो सिग्नल स्मूथिंग है इसे मैं 7 कर दूंगा। ओके इसे मैं 7 कर दूंगा, ओके कर दूंगा, क्या कर दिया इसे मैं 7 कर दूंगा। स्टाइल पे जाना है, स्टाइल पे कुछ स्टाइल पे जाना है, यहाँ पे जो वाइट कलर का है इसे आप बना दीजिए ब्लैक, अगर वाइट इसे आप ब्लू बना दीजिए, इसका थोड़ा थिकनेस बढ़ा लीजिए, ये देखिए, उसके बाद ओके कर दीजिए। क्या किया हुआ है, सेटिंग में जाना है, स्टाइल में जाना है और प्लॉट जो दिख रहा होगा वाइट कलर का डिफ़ॉल्ट में, उसे आप क्या कीजिएगा इसका कलर चेंज कर दीजिएगा ताकि हमें एंट्री लेने में बहुत आसान हो। चलिए अब जाना है UT वोट अलर्ट पे जाना है। UT वोट अलर्ट पे जाने के बाद आपको इनपुट में जाना है, इनपुट में जा करके यहाँ पे 1 है इसे आप 2 बना दीजिए, इसे आप 2 बना दीजिए और जो 10 लिखा हुआ है ATR पीरियड इसे आप 1 बना दीजिए। ओके उसके बाद ओके पर क्लिक किया। अब देखिए अभी हमें समझ में नहीं आ रहा है, अभी भी हमें समझ में नहीं आ रहा है, अभी भी हमारा इंडिकेटर में कुछ कमियां है, इसे भी हम इस नॉइस को कम करने के लिए सबसे पहले हम चले जाएंगे ये जो निफ्टी 50 या कोई भी आप स्टॉक लगाए हुए हैं, निफ्टी लगाए हुए हैं, बैंक निफ्टी लगाए हुए हैं, उस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए इसको हम हाइड कर देंगे। अब देखिए कितना बेहतरीन काम करेगा और कितना बेहतरीन ये काम करता है। देखिए ये सेटअप हमारा तैयार हो गया, अब हमें ट्रेड किस प्रकार से लेना है ये देखिए, इसको मैं ये देखिए यहाँ बाय का सिग्नल दिया, बाय का सिग्नल दिया,
वाई का सिग्नल दिया, हमें एंट्री कहाँ करना है, एंट्री करना है इस लाइन के ऊपर जब मार्केट चला जाए तो यहाँ पे हमें एंट्री करना है। एंट्री हमें कहाँ बन रही थी, एंट्री हमारा बन रही थी इस कैंडल पे, इस कैंडल पे एंट्री करना है। जब इसी इसी पॉइंट पे हमें एंट्री करना था, इस पॉइंट पे हम एंट्री करते और एग्जिट अपना प्रॉफिट ले करके और एग्जिट कर जाइए। स्टॉप लॉस कहाँ हमारा रहेगा, स्टॉप लॉस रहेगा इसके लो के नीचे, इसके लो के नीचे, इसके लो के नीचे हमारा ये स्टॉप लॉस है। हमारा टारगेट कहाँ रहेगा, टारगेट यहाँ पे रहेगा, टारगेट हमारा ये रहेगा। ये हमारा टारगेट रहेगा, ठीक है। यानी कि हम यहाँ पे एंट्री किए, यहाँ पे एंट्री किए, एंट्री इस लाइन पे एंट्री किए, कॉल साइड में यहाँ पे हम अपना टारगेट लिए, टारगेट और ये हमारा स्टॉप लॉस है। ये हमें एंट्री तभी करना है जब बाय का सिग्नल मिल जाए, उसके बाद इस लाइन को क्रॉस करे। एंट्री तभी करना है जब सेल का सिग्नल मिल जाए, उसके बाद इस लाइन को क्रॉस कर जाए, तो हमें यहाँ पे एंट्री लेना है। तो देखिए यहाँ पे एंट्री तभी करना है जब इस वाई के सिग्नल को क्रॉस कर जाए, ये बाय का सिग्नल मिल जाए पहले। देखिए ये सबसे बड़ी खास बात ये है कि ये इंडिकेटर आपको इंट्री एकदम एग्जिट पॉइंट पे बताएगा, स्टॉप लॉस बहुत छोटा होगा लेकिन टारगेट हमेशा आएगा आपका। टारगेट में कोई डाउट नहीं कि ना आए, स्टॉप लॉस बहुत कम रियर केस में लगेगा। जैसे रियर केस में कब लगेगा, जैसे इस जगह पे, लेकिन इस जगह पे इंट्री ही नहीं बनी थी हमारा बाई साइड में, तो हमारा स्टॉप लॉस कैसे लगेगा, क्योंकि जब तक ये ऊपर गया तब तक यहाँ पे सेल का सिग्नल बन गया, तो हमारा इंट्री ही नहीं बनी। बाय का सिग्नल यहाँ पे मिला है, ये देखिए हाँ यहाँ पे स्टॉप लॉस लगेगा, लेकिन हम मार्केट प्राइस पे ही, मार्केट प्राइस के ऊपर ही हमारा स्टॉप लॉस लगेगा। यहीं पे सेल का सिग्नल मिल गया तो हम मार्केट से एग्जिट हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये बाय का सिग्नल यहाँ पे आके दिया, ठीक है, कोई बात नहीं, एंट्री नहीं किया। एंट्री अगर हम यहाँ पे करते भी फिर भी हमारा स्टॉप लॉस यहीं पे, स्टॉप लॉस भी नहीं लगता हमारा, यहीं पे सेल का सिग्नल मिल गया है और यहीं पे हम एग्जिट कर जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम ट्रेड ले सकते हैं। अब देखिए ये कितना बेहतरीन काम किया है, ये देखिए सेल का सिग्नल मिला, जब पहले सिग्नल मिल जाए उसके बाद लाइन क्रॉस करे तब हम एंट्री लेंगे। देखिए पहले लाइन क्रॉस कर गया है, फिर बाय का सिग्नल मिला है, तो हम चाहें तो इससे हम ना ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये जब पहले सेल का सिग्नल मिल जाए, सिग्नल मिल जाने के बाद हम एंट्री करेंगे तो हमारा टारगेट पक्का है कि आएगा। देखिए कितना बेहतरीन काम किया, टारगेट आएगा। देखिए पहले सेल का सिग्नल मिल गया है, फिर एंट्री किए, अब देखिए इसको ऊपर लाइन के ऊपर मिला है बाय का सिग्नल, ये देखिए पहले सेल का सिग्नल मिला है उसके बाद हम एंट्री किए। वाई यहाँ पे मिला है, एकदम लाइन पे मिल रहा है, तो ले सकते थे ना भी ले सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं है, ट्रेड छूट जाए लेकिन हमारा लॉस तो नहीं होगा। ये सेल का सिग्नल मिला, देखिए बाई का सिग्नल मिला लेकिन ऊपर नहीं गया, इससे पहले ही ये बता दिया सेल करना है यहाँ पे, तो हम सेल कर दें, ठीक। यहाँ पे हम सेल का सिग्नल मिला है, सेल करते हमारा प्रॉफिट कन्फर्म था। यहाँ पे पूरा वीडियो देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा, मैं बैक टेस्ट करके आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए पहले बाय का सिग्नल मिला, उसके बाद हम यहाँ पे एंट्री करते, कितना लंबा प्रॉफिट हमारा होता,
कभी भी लॉस की संभावना ही नहीं है, नो लॉस। लेकिन सही से मार्केट को देखेंगे, धैर्य रखेंगे, वेट करेंगे, तभी आपको मिलेगा। सेल का सिग्नल मिला, एंट्री किए, टारगेट आना ही आना है। ये देखिए बाय का सिग्नल मिला, हम नहीं लेंगे, हम ट्रेड नहीं करेंगे, क्या मतलब है कोई ट्रेड नहीं करने का। अब देखिए बाय का सिग्नल मिला, एंट्री किए। आप कहीं भी बैक टेस्ट करके देख लीजिए, आप 10 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना, तब समझ में आएगा आपको किस प्रकार से एंट्री मिल रहा है। ये देखिए बाय का सिग्नल मिला, हमें नहीं लेना है, हम एंट्री नहीं, हम डर रहे हैं कि बाय का सिग्नल बाद में मिला है, कोई बात नहीं। लेकिन पहले मिलेगा तो ये गारंटी है कि आपका टारगेट आएगा। देखिए कितना लंबा ट्रेड है ये। ये देखिए बाय का सिग्नल मिला है, मार्केट नीचे आया है, फिर यहाँ पर एंट्री ले सकते थे। जैसे ही इसका क्रॉस किया, क्रॉस एक बार दिया यहाँ पे, एंट्री बाय के सिग्नल के बाद एक बार फिर से ऊपर की तरफ क्रॉस किया है, एंट्री हमारा बन रहा था। ये देखिए बाय का सिग्नल मिला, एंट्री मिला, टारगेट मिल गया हमें। कहीं भी आप बैक टेस्ट करके देख लीजिए, कितना भी दिन, आपको हमेशा टारगेट मिलेगा ही तो मिलेगा। ये देखिए बाय का सिग्नल मिला इस कैंडल पे, सेल का सिग्नल मिला, स्टॉप लॉस लगा, 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉस भी लगेगा, स्टॉप लॉस काटना जरूरी है क्योंकि ये मार्केट है। बाय का सिग्नल मिला, यहाँ पे हम एंट्री करेंगे और टारगेट हमारा मिल गया। सेल का सिग्नल मिला, एंट्री करेंगे, टारगेट हमारा डन हो गया। कहीं भी आप बैक टेस्ट करके देख लीजिए, इतना बेहतरीन इंडिकेटर आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं है। इस इंडिकेटर का बैक टेस्ट कीजिए, आप पेपर ट्रेडिंग कीजिए, उसके बाद इसमें आप एंट्री कीजिए, ट्रेड कीजिए, बहुत बेहतरीन रिजल्ट है, इससे बढ़िया रिजल्ट नहीं है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें, इस तरह का वीडियो आपको देखने के लिए धन्यवाद।